जोहार, स्वागत है आप मन के जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखत हो। संझा के 6 बज गए है और चर्चा करबो आज के बड़े मुद्दा मा। छत्तीसगढ़ी भाखा में चर्चा हुई तो आप लगोट समझ में आई, मुद्दा समझ में आई। महतारी बंधन योजना ले लेके बड़े चर्चा, कबर के महतारी बंधन योजना ले लेके राजनीति शुरू हो गई है। राजनीति एकर बर कबर के महिला बाल विकास विभाग कोती ले चलने वाला योजना, जेकर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े कहे है की अपात्र महिला मन ला महतारी बंधन के 1000 मिले के शिकायत मिले है, जेकर पर हम जांच करबो और पात्र मन ला पैसा दिलाबो। चुनाव के समय में घोषणा किया था हमारी सरकार ने, घोषणा हमारे संगठन ने जो घोषणा किया था कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो 1000 रुपये महीना महिलाओं को मिलेगा, और सरकार बनी भी और वो घोषणा पूरा भी हुआ। 70 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में DBT के माध्यम से पैसा भेज गया। कुछ शिकायतें अभी आ रही है कि जो अपात्र महिला है उनको भी पैसा मिल रहा है, तो अगर हमारे पास ऐसे शिकायत आएंगे तो उनका निरीक्षण करवाएंगे हम। अब आप ला बताते हैं कि महतारी बंधन योजना के तहत कौन पात्र है और कौन अपात्र है। पात्र मन के अपात्र मन के पहली बात कर लेते हैं। परिवार के कोनो सदस्य इनकम टैक्स भरते यानी कि आयकर भरते ता उला लाभ नहीं मिले उकर परिवार के महिला ला। भूतपूर्व और वर्तमान सांसद या विधायक के घर के महिला सदस्य ला लाभ नहीं मिले। परिवार के कोनो भी सदस्य सरकारी या संविदा नौकरी में हवे तेने तेनो महिला ला नहीं मिले। एकर बाद आप पात्रता की श्रेणी में कौन कौन आते यू समझ लो, लेकिन अपात्र कौन है एक दरी फिर सोचो कि अपात्र वो है जेकर परिवार के कोनो भी सदस्य इनकम टैक्स भरते उकर परिवार के महिला ला नहीं मिले। भूतपूर्व वर्तमान सांसद रहे के घर के महिला सदस्य ला नहीं मिले। परिवार के कोनो भी सदस्य सरकारी संविदा नौकरी वाला हो तभो नहीं मिले। निगम मंडल में नियुक्त वाले सदस्य के घर के महिला ला भी नहीं मिले। कौन कौन पात्र है छत्तीसगढ़ में रहिया माई लोगिन जिन ऊपर अपात्र के श्रेणी में नहीं आवे। 1 जनवरी 2024 तक 21 साल की उम्र और विवाहित महिला पात्र है। विधवा परित्यक्ता और तलाकशुदा महिला घलो पात्र है, लेकिन जो शर्त लगाए गए है अपात्रता के वो एमा लागू होते। अब राजनीति का पर होते नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत कहिन के सरकार महतारी बंधन योजना ला बंद करना चाहते और कौन से मदले महतारी मन के खाता में पैसा डाले जाते इहू ला देखे सरकार। उनके जो पैसे आए हैं महतारी बंधन योजना के, किस योजना के पैसे को ट्रांसफर करने के उनने बांटा है, इसका भी आप जरा अध्ययन कर लीजिए। मुझे लगता है कि महतारी बंधन योजना को साय की जी की सरकार है वो खत्म करने वाली है, और आने वाले समय में हमारे जो महिलाएं इस बात की खुशी मना रही थी कि हमको सरकार एक इजाजत दे रही है, उनको दुख मनाना। और महतारी बंधन योजना लेके विकट का नियम कानून माथा पच्ची से होत रही से, लेकिन बाद में अब जब पात्र बन के सूची आई तो 70 लाख माई लोगिन मन है। तभो ले कांग्रेस कहा था वह कि 20-30% ला ही देत है और उमा कहूँ अपात्र है तो अपात्र बन के तो जांच होना चाहिए, पात्र ला ही लाभ मिले ऐसे तभी सरकारी योजना के वो जो है वो सफलता है। लेकिन अभी तक ले प्रशासन का करते इहु सवाल उठे तो चर्चा करबो। हमारे संग में पहुना मन जुड़ गए हैं लक्ष्मी वर्मा, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष प्रदेश उपाध्यक्ष, स्वागत आपके, जोहार दीदी। शिल्पा दिवंगन कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे संग में जुड़ गए हैं, आपो के स्वागत है, जोहार। पहले सवाल आपसे करूँ मैं लक्ष्मी जी, महतारी बंधन योजना ला शुरू हुए तो मार्च के बाद ले 4th किस्त हो गए है, साय साय किस्त डलत है हर महीना के पहली हफ्ता में, माई लोगिन मन विकट खुश भी हैं। लेकिन जब ऐसे बोले जाही कि अपात्र मन की शिकायत मिले है हम जांच कराबो, तो फिर एक दहशत तो होबेज करी ना कि भाई राशन कार्ड अतेकन बना दिस फिर नाम ला काट दिस, तैसे टाइप के दहशत हो जाही माई लोगिन मन में। प्रीति बहनी, जेन बहनी मन हा पात्रता रखते है और भरे है उमन ला डरे के बिल्कुल जरूरत नहीं है, और जेन प्रकार के आप क्राइटेरिया बनाए हो बताए हो है ना, ये पहली से आज हम अगर देखा जिन मध्यम वर्गीय परिवार के जिन संख्या है तेन अतका ज्यादा हावे, यहाँ 70 लाख पहली मन आवेदन भरे हावे और वो मन के खाता में जाता है। कांग्रेस चुनाव के पहली भी अभी लोकसभा के चुनाव भी बहुत बरगलाए के कोशिश करी से बहनी मन ला और फिर से बरगलाना चाहते, काबर ये महिला मन के हित चाहे नहीं करे कांग्रेसिया मन। अगर हम देखें छत्तीसगढ़ में ये मन बहनी मन से
वादा करे रहीस है परित्यक्ता बहनी मन ला विधवा बहनी मन ला 1000 देबो कहके सब बहनी मन ला 500 रुपए देबो कहके तोला तो दीच नहीं है 5 साल तक के उल्टा आऊ बहनी मन से शराबबंदी करबो कहके झूठ लबराई बना करके वोट ला ले रहीस है और 5 सालों वाला ठगे काम करी से तो ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार है जेन कहते तेन ला करते जैसने हम सरकार बनाए हैं हमारे जेन घोषणा पत्र में रही से मोदी जी के गारंटी के साथ में हम महिला बहनी मन ला देबो तो बोला दे के चालू कर दे हैं और ये मंत्री जी कहा थे तो पर बात ला उल्टा अर्थ में हो सका थे 2-4 शिकायत भी आए वही कोनो है ना कोनो चीज है भाई आप अभी बना आप बताओ कि ककरो घर के सरकारी मान ले जाए 1 लाख के कोनो ऑफिसर है या कोनो और भी महिला खुद भी नौकरी करत है तो वो भी नहीं आवाए भाई वो पात्रता में तो ऐसे भी कोई महिला हो सकत है और बोला बात के बतक्कड़ बनाए के जरूरत नहीं है जेन मन खुद काम नहीं कर पाए ओकर ओ मन दूसर के जेन काम करत है तेन ला बरगला के ओ मन भ्रम पैदा करे के कोशिश जरूर करत है लेकिन ये छत्तीसगढ़ के बहनी मन जानते जेन मन चाहे हम ला विधानसभा में विश्वास करी से अभी लोकसभा में भी विश्वास करके आज बड़े ओकर मन के वोट जेन भारतीय जनता पार्टी मिले है और लोकसभा में हम 10 सीट ओकरे से टी पाए हनी ठीक है। अब शिल्पा जी का कहूँ आप मन तो साफ करा थे कहूँ कोनो गड़बड़ी है गलती है तो अला सुधारे में देखे में का दिक्कत है आप ला काबर लगत है कि योजना ला बंद कर दी ही या माई लोगिन मन संग धोखा हुई शिल्पा जी बुरा आवाज आते है आप ला शिल्पा जी आप अनम्यूट कर लो अपन माइक ला आपके आवाज नहीं आती दर्शक मन कर रहा महतारी बंधन योजना ले लेके विपक्ष के सवाल ये है कि कौन से मदले पैसा जाते इहू ला देखा है और का बंद हो जाए का ये चरणदास महंत था एक बड़े आरोप लगाए है कि बंद करना चाहते है तो मैं एक दरे फिर पूछता हूँ शिल्पा जी अगर अनम्यूट कर ले हो अपन की आवाज जाही अब मैं सवाल ये करत हूँ कि जब बीजेपी कहा थे कि भाई हम तो लगातार देते हमारी नियत साफ है और कहूं कोनो गड़बड़ी की शिकायत मिलत है और जांच कराए में का तकलीफ है ठीक है शायद कोई तकनीकी दिक्कत है तेकर सती आवाज नहीं आते मैं लक्ष्मी वर्मा जी करा एक बार फिर चल देता हूं लक्ष्मी जी जेन विपक्ष आरोप लगा है जैसे चरणदास महंत तो बड़े नेता है अभी और बड़े तप्तले हो गए हैं जब ले कोरबा की सीट लाऊ जिता दिन है ता ओमन जब कहा थे कि बंद करना चाहते सरकार हा और सवाल ये उठाई इसके कौन से मद से पैसा जाते इहू ला देखे जाए देखो महतारी वंदन योजना के नाम से सरकार है महिला बाल विकास विभाग है जिन मन महिला मन के विकास पर काम करते लड़का मन के विकास पर काम करते और ओमा बजट आवंटित करेंगे है अबे भाई तभी तो महिला मन के खाता में महतारी वंदन योजना के तहत पैसा जाते है डीबीटी के माध्यम से तो ये ला चिंता करे को मन ला आवश्यकता नहीं है सरकार है ओकर पर बजट भी बनाई और अभी जैन बजट गए ओकर बाद और भी हम अनुपूरक बजट ला के वाला एक विधिवत रूप से महिला बहनी मन ला देवा थे और एमा भ्रम पैदा करे के एमन कतको कोशिश कर ले महिला बहनी मन विश्वास करवे नहीं करे कांग्रेसिया मन ऊपर आज तक के ये मन हा अगर महिला सशक्तिकरण के बात करन तो छत्तीसगढ़ में हमार 22,000 बहनी मन जेन रेडी टू ईट योजना में काम करत रही से तेकर मन के तो रोजगार लछिन लिस और ओकर बाद ओ मन ला जवाब नहीं दे पाई ने मन हा ये रोजगार रोजगार के मन बड़ा हल्ला करीन हावे और 4-5 साल वो इसने हल्ला करत रही ने छत्तीसगढ़ में कि हम बहनी मन ला सशक्त बनावतन हमन रिपामय करतन लेकिन मैं बता दो तृप्ति बहनी की भारतीय जनता पार्टी के सरकार चाहे 2003 में बनी से हम जतका भी ये हम आंगनबाड़ी के आंगनबाड़ी की तो जेन हमार मध्यान्ह भोजन हावे स्कूल के चाहे प्राइमरी हो माध्यमिक हो सब ला महिला बहनी माला स्व सहायता समूह दे रही सब है उही प्रकार से गांव गांव में जेन सहकारिता जेन सोसाइटी चलते वो सोसाइटी के दुकान ला भी चाहे गाँव हो शहर हो महिला बहनी माला दिस ओकर बाद फिर से सशक्तिकरण के जब बात उठी तो सोचो आज जो पोषण है वो आहार ला दे के काम बोला करी सब हमन अभी भी ये प्रयास लेकिन ये जो शिकायत उठा थे ना लक्ष्मी जी
एकर बार स्पष्ट होना जरूरी एकर सेती है कि अगर एक सरकारी सिस्टम लगे रही से पूरा तरीका ले एक प्रक्रिया रही से तो बोले कहाँ चूक हो जाते। देखो कहीं ना कहीं कतको हमन हा प्रक्रिया के तहत काम करथन लेकिन चूक अगर हो गए वही वो ये नहीं कहे कि ये चूक शिकायत आ है तो ओकर जांच करके वो गलत है ये भी नहीं कहे मंत्री जी का अगर बात अगर कोई शिकायत हो है तो निश्चित रूप से ओला जांच करना एक मंत्री के होए के नाते एक शासन के एक अंग होए के नाते वो ओकर फर्ज भी है वो वही बात ला कहे लेकिन वो बात ला तोड़ मड़ोड़ के प्रयास करे के कोशिश कांग्रेसिया मन करत है तो ये मन हा अभी भी बाज आ जाए अभी भी बाज आ जाए छत्तीसगढ़ के जनता ला ये मन पूरा मूर्ख बनाए काम करे है और मूर्ख बना के छत्तीसगढ़ ला जेन भ्रष्टाचार में डुबोए के काम करे रही से ये भ्रष्टाचारी मन हा गोठियाते तो बड़ा समझो हमन ला तकलीफ होते मन किसान मन के साथ कैसे अन्याय करे। ठीक है रोकना चाहता हूँ आपला लक्ष्मी जी। ये बेरा राष्ट्रपति भवन पहुंचे है तीसर घाव प्रधानमंत्री पद के शपथ ले पर नरेंद्र मोदी हा सीधा तस्वीर दिखा था ना अपना राष्ट्रपति भवन पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और आज ही एनडीए की जो बैठक हुई है आज संसदीय बोर्ड की बैठक हमने देखी जहां पर लगातार तमाम बड़े नेताओं ने साथ मिलकर चलने और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में काम करने की बातें कही हैं। तो इस बीच सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए थोड़ी देर में राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं। 9 जून शाम 6 बजे शपथ ग्रहण हो सकता है। थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बता दें कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला लेकिन एनडीए को बहुमत मिला है और जदयू के साथ टीडीपी और तमाम गठबंधन के दलों के साथ में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और हमन चर्चा आगू बढ़ा था ना लक्ष्मी वर्मा जी और शिल्पा देवांगन हमारे संग में जुड़े हुए हैं। लक्ष्मी जी आप बात करते रहे हो कि आपात्र मन के ये तोड़ मरोड़ के पेश करे जाते कहा था कहूं कोनो शिकायत मिले हो ही तो ये कैसना शिकायत हो ही अबेला समय आहे तो पता चल जाही आपला की कैसना शिकायत होही कोई ना कोई बात होही अगर मंत्री जी के तो कोनो हो सकत है आए होही शिकायत तो शिकायत अब भाई कोई शिकायत आए तो ओकर ऊपर आदमी आ देखी तो कि ये शिकायत का है और ये हकीकत का है भाई ओकर हकीकत का है यूं ला जाने की कोशिश करी तो ये मन वो बात ना बात के बतंगड़ जन बनावे वही मैं कहत रहा हूं तृप्ति बहनी की कांग्रेस के सरकार रही से ये मन हा किसान मन ला कतका कन ठगे काम करत रही से देख लो किसान मन के रकबाला एक तरफ तो कहत रही ने कि हा मन हा 20 क्विंटल ला धान ले बन और दूसरा तरफ देखो गिरदौरी के नाम से पूरा रकबाला काटे काम करत रही ते एकर मन के चाल चरित्र चेहरा वो इसने तेकर से की हमेशा एकर मन के मन में शंका बने रही थे। भारतीय जनता पार्टी हा आम जनता के प्रति और खासकर महिला महिनी के प्रति पूरा शिल्पा जी से पूछे तो शिल्पा जी मोर आवाज आ रही आप ला मन के जेन हित है वो कभी भी हित ला हित होए के काम नहीं करे हित करे काम नहीं करे। ठीक शिल्पा जी से पूछ लेते हमें शिल्पा जी काबर ऐसे लगत है आपला की योजना बंद हो जाही तब महिला मन संघ धोखा हुई वो तो कहा थे मंत्री का नगर कोनो शिकायत आए है अब वो जांच के बाद कहा थे तो एकर मतलब ये थोड़ी नहीं है कि पूरा सत्यापन हो ही या नया सिरा से हो ही या महिला मन संघ के नाम काट दे जाही आपला इसे काबर लगत है बीजेपी कहा थे कि बढ़ा चढ़ा के बता थो आप। देखो तृप्ति जी मोरा बात आ तृप्ति जी हाँ देखो तृप्ति जी सबसे पहली बात तो ये है हरे कि पात्र और अपात्र के जो एमन बात करत है ये कहां से आ गई एक सवाल के जवाब कौन दी ली आप मन भी जानते हो और पूरे प्रदेश के महतारी मन भी जानते हैं कि जब विधानसभा चुनाव के बेरा में एमन घोषणा बनाई योजना बनाई महतारी बंधन योजना ला एमन का बोली एक मुख्य उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी ने खुले तौर पर स्पष्ट कहा कह रही थे कि मुख्यमंत्री के पत्नी ने भी योजना के लाभ मिली मोर पत्नी ने भी योजना के लाभ मिली प्रदेश के महतारी मंत्री
महतारी मंदा योजना चालू हुई तो सबसे बड़ा प्रश्न तो पात्र और अपात्र की बात कहाँ चाली। तो असलियत ये है तृप्ति जी की भाजपा की योजना है केवल सत्ता के लालच पर होते, केवल सत्ता प्राप्ति पर ये योजना बनाते। और अब सत्ता में ही अभी तक विधानसभा चुनाव में एवं सत्ता हासिल करने, अब लोकसभा चुनाव करके शांत बने रही थे, अब लोकसभा चुनाव जे दिन एवं रिजल्ट नतीजे पर पहुंची ते दिन से एवं पात्र और अपात्र। लेकिन अभी तक तो ना तो कोई सरकारी आदेश आए हैं, कोई निर्देश भी नहीं आए हैं कि ऐसे कोनो छटनी हुई या बात करवो या जांच करवो, ऐसे कोनो सरकारी आदेश भी नहीं आए अभी तक। नीति नियत तो समझ में आते ना, एक हर मन के नीति नियत ऐसे समझ में आते कि जैसे ही सरकार सत्ता मतलब प्राप्त हुई छत्तीसगढ़ में भी आप देखो तृप्ति थी कि बिजली के रेट बढ़ा, एक तो बिजली आपूर्ति करने में अक्षम रहे सक्षम नहीं रह सके एमन, और बिजली के रेट बढ़ा दी ये एक हुई से एवं ना जनता से कोनो सरोकार नहीं होते, एवं ना राहत के जो योजना है वो बंद करे पे ज्यादा एवं कार्य करते एक हर से थी। मोर बहनी बोले थे ना कि बात के बतंगड़, अरे बात लेकिन लेकिन अगर कहूँ कोनो अपात्र है, मान लो शिल्पा जी अगर कहीं कहूँ कोनो अपात्र हबे या जिन तरीका की शिकायत, अब शिकायत ला तो बताए नहीं है मंत्री हा के कौन तरीका की शिकायत है, बस ये बोली से कि अपात्र मन की शिकायत मिले है जांच कराबो निरीक्षण करबो, तब का लगते है आपला कि अपात्र कहूँ कोनो हो ही तो सही में जांच तो होना चाहिए ना, सरकारी पैसा के सदुपयोग हो गए। मोला ऐसे लगते पृथ्वी जी, मोला ऐसे लगते प्रदेश भर में 1,04,00,000 महिला महतारी मन हरे, तो एमन ला जो पात्र पात्र के बंधन में तो पहले नहीं बांधी तो सबो झन ला महतारी बंधन योजना के लाभ देना रही थे, पर पात्र पात्र बंधन में बांध से भी 70,00,000 ला एमन छठनी करे, 70,00,000 ला देवत है कहा थे कि देवत है, परंतु जमीनी स्तर पर तृप्ति जी हर आंगनबाड़ी में आप देख लो सबो आंगनबाड़ी में जो महिला मन के कक्षा किए गए रही थे ओमन आधे महिला मन के खाते में पैसा जावत है, महिला मन शिकायत भी करते, महिला मन बैंक के शुरू में लगाई भी बहुत आना जाना लगाई भी अत्यंत परेशानी के बाद महिला मन के खाते में ओकर खाते में पैसा आई थे। तो ये तो परेशान करे के योजना हो गए और पूरा राहत की योजना लो उल्टा बंद कर दे, शराब के रेट बढ़ा दी, एक बात और मैं कहना चाहूँ मन शराब के रेट बढ़ा दी मतलब ये शराब और आहता सेंटर खोली से एक हर से थी जो एवन के घर वालन है वो पैसा देवत जाते हैं और वो पैसा दे वो जो पैसा वहां से वसूलते वो भाकारी लोग मन के खाते में डालते, तो ये तो घूम फिर के वही बात हो गई ना कि राहत देने के कोई काम नहीं करे एमन, ऊपर से रेत माफिया मन ला एमन छह दे के काम कर थे 5 गुना रेट बढ़ा दे, तो कुल मिला के राहत के कार्य ला बंद करे के कोशिश एक हर मन के नीति और नियत में शामिल रही थे, एक हर से भी हम अंदर लगते कि एमन छलावा करने के कोशिश जवाब लेते हैं महतारी मन के साथ भी जवाब लेते हैं। लक्ष्मी जी जवाब देव नहीं मैं कह ये मन सारा घोटाला करीस, महिला मन के साथ में अन्याय करीस और युवा मन ला ठगे काम करीस, कत्ता कन ओकर मन के क्राइटेरिया बना रही से कि आज 18,00,000 पंजीकृत बेरोजगार है लेकिन 1,00,000 तक ये मन शुरू नहीं कर पा रही से आखिरी आखिरी जात तक के एक मन के वो योजना खत्म हो गए, तो ये मन ला वही सुरतावत है यहाँ रेत घोटाला शराब घोटाला कोल घोटाला का घोटाला छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार नहीं करे रिसेंटली में घोटाला, तो ये घोटाला वो मन जरूर याद करना चाहिए कि हमन वाकई घोटाला करे रहे तो सबके दृष्टिकोण से देखन कहके अच्छा बात है वो सजाए अब तक जिन मन अभी हावत